गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो एज़ यू नो टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक्स आफ्टर द टॉपिक्स मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन. तो इन दीज टॉपिक्स वी हैव स्टडीड मच अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की किस बात पर डिपेंड करती है और किस कंडीशन में न्यूक्लियस स्टेबल कहलाएगा. सो ओनली आफ्टर वेन दीज टॉपिक्स आर अंडरस्टूड देन ओनली वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑल्सो one of the most important topic, that is binding energy. Okay, so mass defect कैसे related है stability of nucleus से. इसमें हमने study किया था कि जो nucleus होता है उसके जो constituent particles हैं means protons and neutrons, तो उन constituent particles का जो individual mass है उसको sum करें तो जो total mass बनेगा that is greater than the mass of nucleus. अगर ये सिचुएशन है ये कंडीशन है देन द न्यूक्लियस विल बी स्टेबल. वो ब्रेक नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, स्टेबल रहेगा. ठीक है. और अगर कभी कंडीशन इसके अपोजिट हो जाती है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए मैं इसको रिपीट भी कर रही हूँ दोबारा से कि आपको हमेशा ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये चीज़ याद होनी चाहिए. तो इसीलिए मास डिफेक्ट के बारे में जब इसका सिंबल डेल्टा एम दिया था तो ये फॉर्मूला यूज़ किया था. फिर हमने इसी के जस्ट बाद में एक और टॉपिक स्टडी किया था पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग फ्रैक्शन में मास डिफेक्ट को रिलेट कर दिया था मास नंबर से. यहाँ भी स्टेबिलिटी का ही रिलेशन हमें स्टडी करना है. तो एक कंडीशन और स्टेबिलिटी से रिलेट कर दी थी कि मास नंबर जो रेंज है वो अगर बिलो 20 या मोर देन 200 है तो हमेशा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होगा. और उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है इस केस में. उसके बाद जो हमें टॉपिक स्टडी करना है दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में नॉट ओनली द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है. बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन, बाइंडिंग एनर्जी किस से रिलेटेड है, न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं हम या फिर पूरे एटम की बात कर रहे हैं. और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो इसके बाद ही फिर हम स्टडी कर पाएंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व. और इस टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व ही है. और अब और इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व है क्योंकि अब आपका जो रेडियो एक्टिविटी का पूरा पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है. और रेडियो एक्टिविटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते थे. मोस्टली जितने रिपीटेड क्वेश्चन थे वो रेडियो एक्टिविटी से थे, उसके न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट. लेकिन अब वो टॉपिक नहीं है. तो बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो बाइंडिंग एनर्जी में जैसा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं आप, ग्रेविटेशन में बिल्कुल वही सिचुएशन है यहाँ भी कि प्लैनेट सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहे हैं या कोई भी सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है. तो इसका मतलब वो उसकी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा पा रहा है, एस्केप नहीं कर पा रहा है. तो इसका मतलब कि वो किसी एनर्जी से बाउंड है, गिवन प्लैनेट से. तो जितनी एनर्जी से बाउंड है उतनी एनर्जी अगर हम प्लस साइन के साथ सप्लाई कर दें, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, उसका रीज़न ही ये है. तो अगर उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हम सप्लाई कर दें तो वो जो जो भी चीज़ बाउंड है जिसके भी अराउंड रेवोल्यूशन हो रहा है उसको ऑर्बिट को एस्केप करके जा सकती है. चाहे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेवोल्यूशन कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है, या फिर हम बात करें न्यूक्लियॉन्स की कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और न्यूक्लियस को एस्केप नहीं कर सकते, उसके बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी बाउंड है. तो उन सब के सेंस में अगर हम उतनी एनर्जी प्लस चार्ज के साथ सप्लाई करते हैं तो दैट एनर्जी इज़ बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है. तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट फिर से वही है, बस हम बात किसकी कर रहे हैं, कोई रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे. या हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का और उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये बाउंड हैं. तो इन पार्टिकल्स को बाउंड रखने के लिए ये पार्टिकल्स जब एक दूसरे के क्लोज आए होंगे तो इनमें जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने और अदर फोर्सेस हैं उन्होंने भी वर्क किया होगा. लेकिन फिर भी इन पे एक एक्सटर्नल वर्क ऐसा किया गया कि इनको न्यूक्लियस के अंदर बाउंड कर दिया गया. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी इज़ द एनर्जी. अब ये बाउंड हैं किसी एनर्जी से, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर उतनी एनर्जी सप्लाई कर दें
तो क्या होगा कि न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा इन पार्टिकल्स में, तो यही बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स। वी कैन से ब्रेक अप अ न्यूक्लियस, किसमें ब्रेक करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, एंड टू सेपरेट दैम। और एक और कंडीशन है उसके साथ में, एक तो ब्रेक करना है और दूसरी बात उनको सेपरेट कर देना है इतनी डिस्टेंस तक कि वो दोबारा से इंटरेक्ट ना कर पाएँ। ओके, तो ब्रेक करने के बाद में ऐसा ना हो कि वो इंटरेक्ट करके फिर से न्यूक्लियस को फॉर्म कर ले रहे हैं, तो ये नहीं है कंडीशन। कंडीशन ये है कि ब्रेक करने के लिए एनर्जी और दूर ले जाने के लिए, ये जो टोटल एनर्जी का सम है, दिस इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन कहाँ से आया था, तो उसके लिए मैंने आपको आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस का यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। तो आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रोल क्या है यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था कि जब जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन पर वर्क किया जाता है और उनको न्यूक्लियस के अंदर बाउंड कर दिया जाता है, तो वो जितना वर्क होता है वो वर्क रिलीज होता है न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में। ओके, या फिर हम ये भी कह रहे हैं कि जो आपने मास डिफेक्ट पढ़ा था वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आया था, बल्कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट वहीं आया था। वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस से ये कैसे प्रूव हो रहा है, क्योंकि मास एनर्जी इक्विवेलेंस में आपने पढ़ा है कि जहाँ मास डिसअपियर हो रहा है वो किस फॉर्म में किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एनर्जी में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास ज़्यादा है, न्यूक्लियस का मास कम है, तो मास कहाँ गया, तो मास न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली द आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज ओबेड हियर। तो यहाँ पर देखिए ये रिलेशन, ये सिंबल लिखा है डेल्टा ई बी जो लिखा है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी का सिंबल है यहाँ पर, और ये रिलेशन है वही रिलेशन जो आइंस्टाइन का रिलेशन है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ डेल्टा एम है मास डिफेक्ट और सी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी ही जो है वो किसके इक्वल है, ये एनर्जी जो जिसकी हम आइंस्टाइन रिलेशन में बात करते हैं, मास जिसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिलेशन आपने यहाँ लिखा है, तो इससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको। तो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द सरप्लस एनर्जी विच द न्यूक्लियस गिव अप। तो जो मैंने बताया कि रिलीज होती है एनर्जी जब न्यूक्लियस को फॉर्म किया जाता है, तो सरप्लस एनर्जी विच द न्यूक्लियॉन्स गिव अप बाय वर्च्यू ऑफ देयर अट्रैक्शंस, जो उनके बीच में अट्रैक्शन है जिसे वो बाउंड हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो जो सरप्लस एनर्जी है उसको वो गिव अप करते हैं व्हेन दे बिकम बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब बनाते हैं तो यही एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी है, आप इसको बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कैसे बाइंडिंग एनर्जी को आइंस्टाइंस रिलेशन से कंपेयर कर सकते हैं, उससे फाइंड कर सकते हैं। और अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन बाइंडिंग एनर्जी का। तो यहाँ भी कुछ सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट को रिलेशंस के साथ में रिलेट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मास डिफेक्ट से। तो आपको पता है कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, या ये एक न्यूक्लियस है, और ये ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं। उसका मास डिफेक्ट कितना होगा, ये ऑलरेडी ड्राइव रिलेशन है, आपको पता है कि मास डिफेक्ट का मतलब हुआ कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो कि ये होगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। तो जहाँ एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है और एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन है। माइनस किसको माइनस करते हैं, जो मास कम है, किसका मास, न्यूक्लियस का। तो एम एन जो कैपिटल एन वाला सिंबल है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो ये मास डिफेक्ट का आपने रिलेशन लिखा है, नीचे लिख भी दिया है वेयर एम एन इज़ न्यूक्लियर मास। अब आपने जो अभी रिलेशन लिखा था उससे हम अगर आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस को यहाँ यूज़ करें, तो फार्मूला ये था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये जो डेल्टा एम की वैल्यू है इक्वेशन वन से, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो डेल्टा एम के प्लेस पे आपका ये रिलेशन आ गया है इंटू सी स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन तक आपको जो स्टडी करना है दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि आपको पता है कि ये इतनी बाइंडिंग एनर्जी है।
अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्लैनेट वाला जो केस था और जो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड, वो दोनों केसेस रिजेंबल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी है जिससे कि वो बाउंड है न्यूक्लियस से। तो हम बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के लिए ना लिख कर इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रॉन किससे बाउंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो सो दे हैव अ बाइंडिंग एनर्जी विच फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंस।